सबसे पहले बात भोपाल की, जहां मदर इंडिया कॉलोनी में गैस रिसाव के मामले में मौके पर तैनात टीआई सौरभ पांडे की तबीयत बिगड़ गई है। थाना प्रभारी समेत 10 लोग का इलाज जारी है। आंख में जलन, सीना फूलना और सांस लेने में तकलीफ जैसी शिकायतें अब थाना प्रभारी समेत 10 लोगों को हुई है। देर शाम घटना स्थल पर टीआई सौरभ पांडे मौजूद थे, जिनकी तबीयत अब अचानक से बिगड़ गई है। जिस तरह से क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है, आसपास के क्षेत्र में लोगों की तकलीफें बढ़ी थी, अब ड्यूटी पर तैनात टीआई की तबीयत भी बिगड़ी है। तो आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सीना फूल रहा है, ऐसे तमाम लक्षण आसपास के लोगों में भी नजर आए थे, जिन्हें कल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं ड्यूटी पर तैनात पुलिस के कई अधिकारी और कर्मचारियों में भी अब ऐसे लक्षण पाए जा रहे हैं, जो लगातार इन क्षेत्रों में मौजूद है। बता दें कि फिलहाल इस पूरे क्षेत्र में पानी का सप्लाई भी बाधित किया गया। थाना प्रभारी समेत 10 लोग फिलहाल बताए जा रहे हैं जिनमें ये लक्षण पाए गए हैं। 10 लोगों का इलाज जारी है। कल देर रात गैस रिसाव का ये मामला सामने आया था। लोगों का कहना है कि 6 बजे से ही उन्हें गैस का प्रभाव हवा में नजर आ रहा था, क्योंकि उन्हें आंखों में जलन हो रही थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। चलिए इस खबर पर संवाददाता दीपक का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक, जिस तरह से लोगों का हाल बेहाल हो रहा था, अब पुलिस के जवान जो हैं, खासकर की वो अधिकारी जो लगातार कल शाम से ही नजरें बनाए हुए हैं, उनकी तबीयत भी बिगड़ रही है। फिलहाल टीआई सौरभ पांडे की क्या हालत बताई जा रही है? जी, बता दें कि अभी सौरभ पांडे की हालत जो है खतरे से बाहर है, परंतु उनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर शाम से ही सौरभ पांडे मुस्तैदी से वहां पर ड्यूटी कर रहे थे। इसके अलावा कुछ जो बल है वो भी वहां पर लगा हुआ था, परंतु सौरभ पांडे लगातार जो वीआईपी मूवमेंट हो रहे थे उसके चलते अंदर बाहर बार बार कर रहे थे, जिसके चलते उनकी जो है तबीयत बिगड़ी है। आंखों में जलन, सीने का फूलना और जो सांस लेने में तकलीफ हुई है, जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका इलाज जारी है, वहीं उनके प्रशासन की ओर से देखरेख में और जो पुलिस विभाग है उनकी देखरेख में उनका जो है एक निजी अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा जो 10 अन्य वहां के रहवासी हैं, उनका भी जो है निजी अस्पताल में इलाज जारी है। जी चलिए, धन्यवाद दीपक जानकारी के लिए। तो बता दें कि मौके पर तैनात टीआई सौरभ पांडे की तबीयत बिगड़ गई थी, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि थाना प्रभारी समेत 10 लोगों का इलाज फिलहाल अस्पताल में जारी है। ये सभी लोगों में आंख में जलन, सीना फूलना, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण पाए गए थे, जो कि आम जनता में भी पाए गए थे। ऐसे में बता दें इस क्षेत्र की हवा में अब भी क्लोरीन गैस का प्रभाव है और लोग परेशान ना हो, इसलिए इस पूरे क्षेत्र को खाली भी कराया जा रहा है।